गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हम लोगों ने पीरियडिक टेस्ट के बाद ये फर्स्ट फॉर्मल क्लास है। भले हम लोग 31 से लेकर 2 तारीख 2 दिन हम लोग बातें किया, मार्क्स वगैरह शेयर किया गूगल मीट के थ्रू, लेकिन ये हमारा फॉर्मल, फिर हम लोग नया चैप्टर फॉर्मल क्लास है जिसमें हम नया चैप्टर को फिर शुरू करेंगे। आप लोग, हम लोग सभी लोग ऑलरेडी क्लास चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने जो एक नया चैप्टर है वो है साबरमती आश्रमत गांधी जी, साबरमती आश्रम में गांधी जी। साबरमती आश्रम कहाँ पर है आप सभी लोग जानते हैं, ये आश्रम है गुजरात में है, है ना। तो गुजरात आश्रम में गांधी जी गया होगा कहीं, तो उसके बारे में कहानी आपको थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, राइट। देखिए ये चैप्टर पेज नंबर आपका 54, ठीक है ना, 54 पेज है आपका ये चैप्टर। छोटा सा कहानी है, इसमें कुछ नहीं है। साबरमती आश्रम गांधी जी का एक कहानी, वो क्या हुआ था, एक मतलब ये कार्टून की तरफ आपको बनाया है, क्योंकि आप लोग कार्टून पढ़ते हैं, ये कार्टून जैसा ही है, इसको दिया हुआ है। साबरमती आश्रम गांधी जी, साबरमती आश्रम में गांधी जी का कोई घटना होगा उसके बारे में दे रहे हैं। साबरमती आश्रम में गांधी जी का, गांधी जी मतलब महात्मा गांधी। हाँ, ये कहानी, ये आदमी ने गांधी जी को बोल रहा है, काइलै पुवा 9 बजात आमार गाँवत एखन सभा पातिछो। ये व्यक्ति ने गांधी जी को बोला, कल सुबह 9 बजे हमारे गाँव में एक मीटिंग रखा है, मीटिंग बुलाया है, हेई उद्देश्य रे आपुनाक मातिबोले आहिछो, इसीलिए आपको बुलाने के लिए आया हूँ, राइट। तो फिर बोला, काइलै रातिपुवा 8 बजाते तुम्हार घोड़ा गाड़ी खन आनिबा, मैं सभा लै जाम। तो गांधी जी ने बोला, कल सुबह 8 बजे तुम्हारा घोड़ा गाड़ी को, जो कार्ट है, घोड़े गाड़ी से, घोड़ा गाड़ी मतलब घोड़ा से खींचने वाला गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी वो कार्ट को ले आना, मैं उसी से तुम्हारे सभा में जाऊँगा। कसुआजन एतियाओ आही नपाले, मोर साइकिल एखनके जोगाड़ कर दिया। तो नेक्स्ट डे सुबह क्या हुआ, उनका, उनके लिए जो कसुआ मतलब, कसुआन मतलब जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं उसको कसुआन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कसुआन। तो कसुआन टाइम पे नहीं आ पाया, तो उन्होंने सोचने लगा गांधी जी ने, और अपने जो साथी उठे उनको बोला कि कसुआन जन नहीं आ पहुँचा, नहीं आ पाया, इसीलिए मेरे लिए साइकिल को व्यवस्था करो, कि क्या करेंगे, साइकिल से जाएंगे, धन्यवाद, समय काम समय हुआ तो मैं वांछा करूँ। तो गांधी जी को लोगों ने साइकिल दिया, साइकिल अरेंज कर दिया, और बोला धन्यवाद, समय की काम मुझे समय पे ही करना अच्छा लगता है, मतलब समय की काम समय में होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि टाइम 8 बजे दिया था, इसीलिए वो जब कसुआन नहीं आया तो साइकिल से जाने के लिए तैयार हो गया। मोर पलम हल बापू जी, मुझ क्षमा करक, मैं रोगी एजनक हस्पताल थी आबलगिया हल, अभी कसुआन थोड़ा लेट पहुँचा, और उन्होंने गांधी जी को बोला, बापू जी मुझे माफ़ करना, मेरा थोड़ा लेट हो गया, क्यों लेट हो गया, मैं रोगी एजनक हस्पताल थी आबलगिया हल, मतलब एक पेशेंट को, क्योंकि आज जैसे हम लोग एम्बुलेंस है, गाड़ी है, वो व्यवस्था नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि मैं एक पेशेंट को, एक बीमारी आदमी को मेडिकल में पहुंचाना था हॉस्पिटल, मतलब मेडिकल में पहुंचाना था, इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हुआ, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मोर असुविधा हुआ ना, साइकिल गई ठीक समयते सभाखन पालोगे। तो गांधी जी ने बोला, मेरे को कोई असुविधा नहीं हुआ, मैंने साइकिल से ठीक टाइम पे ही सभा में पहुंच गया हूँ, तुम्हें रोगी सहाय करी महत काम करिला, और तुमने रोगियों को, पेशेंट को, बीमारी आदमी को हेल्प करके अच्छा महत काम, महान महान काम किया आपने, अच्छा काम किया है, इसलिए उनको धन्यवाद दिया है। तो बेटा यही छोटा सा कहानी है ना, ये हम लोग फिर एक बार पढ़ेंगे, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स।